आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है इम्बैलेंस, इफिशियंट एंड इनफिशियंट प्राइस एक्शन। ठीक है, ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नेम है, फैंसी नेम। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वर्ड। ये लिक्विडिटी वर्ड ये भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है लेकिन थोड़ा बहुत है। ठीक है, ओके। और हम लोग बाकी स्ट्रक्चर में जो हम लोग सीख रहे थे स्ट्रक्चर का, ये सब तो सारा क्लियर हो गया ना। मेजर एंड माइनर स्ट्रक्चर, देखो माइनर थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा माइनर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो लोग ना प्राइस फैक्टर में समझ जाएंगे, अभी इसको एक बार में सब पूरा नहीं समझ पाओगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि देखो एसएमसी पूरा स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और प्राइस फैक्टर में ना हर हर एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, उसका वेट करो बोला वीडियोस का, बाकी ये सब भी सीखते रहो। माइनर स्ट्रक्चर भी क्यूएम होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के भी अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोला ना किसी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई मान लो टू हर कोई 2 आवर पे ट्रेड करने लगे, किसी और टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करे, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो हम लोग इम्बैलेंस देखते हैं, इनफिशियंट और इफिशियंट प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर इनफिशियंट प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, ये सब इजी है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, इम्बैलेंस इम्बैलेंस देख लेते हैं, इफिशियंट फिर देखेंगे, ये दोनों सेम ही है ऐसे, इफिशियंट एंड इनफिशियंट प्राइस एक्शन दोनों सेम है। ठीक है, ओके, तो इम्बैलेंस होता क्या है, तो ये क्या होता है इम्बैलेंस, ये भी थ्री के अंडर रहते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस में भी, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एक कैंडल मान लो, एक कैंडल है, कोई भी कैंडल मान लो। ठीक है, ये कैंडल है, इसका ये ओपनिंग हुआ। ठीक है, कैंडल क्या होता है ओपन, ठीक है, ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर क्लोज बनाया रेड कैंडल का। और ग्रीन कैंडल क्या होता है, यहाँ पर ओपन होता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, फिर क्लोज करता है। ठीक है, जैसे कैंडल कैंडल के बारे में नहीं पता ना, देख लेना, ठीक है, सब जान जाओगे। तो अब क्या, ये जो लो है पहला कैंडल का, ये नंबर वन कैंडल का ये जो लो है, इसका लो मार्क कर लेना, इसका लो मार्क कर लेना। ठीक है, फिर जो नंबर टू कैंडल है, इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, अब नंबर थ्री कैंडल का वेट करना। ठीक है, नंबर थ्री कैंडल का क्या करना, वेट करना, जैसे ये क्लोज हो जाए, बन बन जाए ये। ठीक है, मान लो ये बन गया, इस टाइप का बन गया, और कोई नया कैंडल ओपन हो रहा है। ठीक है, तो जब हो रहा होगा ना, तो क्या करना, यहाँ पर मार्क कर लेना, इसका पहला कैंडल का लो मार्क कर लेना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, फिर इसका कैंडल का हाई मार्क करना है, नंबर थ्री कैंडल का हाई मार्क कर लेना। इसको क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस, इसको बीयरिश इम्बैलेंस बोलते हैं। मार्केट रेट कैंडल में क्या बनता है, बीयरिश इम्बैलेंस बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीयरिश इम्बैलेंस, बीयरिश ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा जोन को क्या बोलते हैं, बियरिश इम्बैलेंस। ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड है ना, बियरिश है। ठीक है, अब सेम चीज है, पुलिस बुलिश इम्बैलेंस के लिए क्या चाहिए, सेम ऑपोजिट। ठीक है, इसमें भी कोई भी कैंडल ले लो, इस कैंडल में क्या होता है, इस कैंडल का हाई लेना पड़ता है। यहाँ पर शुरू वाला पहला कैंडल क्या करते थे हम लोग, लो लेते थे ना, इसका बुलिश कैंडल के लिए हाई लो। ठीक है, मिडिल वाला का छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मिडिल में क्या हो रहा है, अब इसका थर्ड वाला का लो लो। ओके, तो ये जो इसके बीच में जो हुआ, इसके बीच में जो हुआ ये वाला छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, बुलिश इम्बैलेंस, ज्यादा कुछ नहीं है, बुलिश इम्बैलेंस। ठीक है, हो गया बुलिश इम्बैलेंस। और देखो जब, अब क्या होता है, इफिशियंट एंड इनफिशियंट प्राइस एक्शन क्या होता है, मेरे को बता सिंपल। ठीक है, ये हो गया बेरिस इम्बैलेंस, ये हो गया बुलिश इम्बैलेंस, इम्बैलेंस समझ में आ गया। अब इफिशियंट इनफिशियंट प्राइस एक्शन क्या होता है, कुछ नहीं है। इनफिशियंट में क्या होता है कि ये जो वीक है, ये वीक है ना, ये वाला एक दूसरे के साथ मिटिगेट होते हैं, इस टाइप का चलते हैं प्राइस। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इस टाइप का रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी
इस टाइप का रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइस इफिशियंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इफिशियंट। जब दोनों साथ में मिलते हैं ना तो इफिशियंट प्राइस एक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई यूज करने का कोई बहुत मतलब कि ये नहीं इफिशियंट याद करो ये करो कुछ नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इम्बैलेंस, ठीक है। दोनों सेम ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इफिशियंट बोलते हैं, ठीक है। और जब इस टाइप का जब इम्बैलेंस रहता है, जब इम्बैलेंस रहता है तब उसको इनइफिशियंट प्राइस एक्शन बोलते हैं, इनइफिशियंट प्राइस एक्शन बोलते हैं। और मिटिगेशन सबके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वही ठीक है, हो गया इम्बैलेंस कम्प्लीट। अब देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और लिक्विडिटी पर। फेयर वैल्यू गैप FVG, अभी ना हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर हम लोग लाइव मार्केट में भी देख लेंगे, ठीक है। तो FVG क्या होता है, देखो जब मान लो प्राइस मूवमेंट कर रहा है अपसाइड, ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींच लेना, फिर एक रेड कैंडल बन गया, और यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब सेलिंग स्टार्ट हुआ ना, अब जब ये प्राइस ऊपर जाने लगा, एक एक दो ग्रीन कैंडल बनाया यहीं तक बनाया, ठीक है। फिर वापस सेलिंग आ गया। तो जहां तक ये ईद हुई, ये ग्रीन कैंडल है, जहां तक इस ग्रीन कैंडल बना, मान लो जैसे यहाँ पर समझो ये ग्रीन कैंडल था, ठीक है। अब यहीं पर गया प्राइस एंड ड्रॉप ले लिया, क्या हो गया, ड्रॉप ले लिया। ऐसे देखो ISET क्या करता है, इसको पूरा यहाँ तक लेता है, इसको ये बॉडी क्लोज तक लेता है, इसको FVG बोलता है। ये क्या है, BRSFVG है, ठीक है। इसको यहाँ तक भी ले सकते हो, यहाँ तक भी ले सकते हो। वैसे इसको भी यूज ही नहीं है इसका भी SMC में, लेकिन इसको ISET में यूज है, तो ISET में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ऐसे इसको FVG बोलते हैं। इम्बैलेंस वही है, इसको अभी इसको भी FVG बोल देता है, ठीक है, बहुत लोग। बट जब ISET 2060 मेंटरशिप दे होगा ना, इसको भी FVG बोलता है वो, ठीक है। तो ISET में देखेंगे वो सब क्या है। ये क्या है, बेरिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये क्या है, बेरिस FVG है, ठीक है। सेम चीज है वही बुलिश में भी। तो एक रेड कैंडल देखना, सेलिंग हो रहा है, एक रेड कैंडल बन गया, इसका हाई ले लो, इसका हाई ले लो। फिर अब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, इसका ये लो ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये, ठीक है। ये इधर का मत देखो, बस यहीं पर देखो, एक कैंडल इसको देखो, एक कैंडल इसको देखो बस, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, बुलिश FVG होगा। लिक्विडिटी बोर्ड का काम आएगा SMC में, उसे बताते हैं SMC में क्या काम आएगा, ठीक है। इतना ही करना है तुमको। अब इसके आगे कुछ भी कैंडल बन रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता है, इसके आगे कुछ कैंडल बन रहा है फर्क नहीं पड़ता है। बस ये फर्क पड़ता है क्या, इस ये FVG को पूरा खा तो नहीं गया ना है? मतलब क्या, अगर मान लो ऐसा समझो ऐसे प्रेस चला गया, ये ग्रिप कैंडल बन गया, ठीक है। ऐसे ग्रीन कैंडल बन गया, तो ये बेरिस फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। ये बेरिस फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ओके। ये बेरिस फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है ना, बस यहाँ तक के लिए फेयर वैल्यू गैप था ये, ठीक है। जब ये कैंडल बना हुआ था ना, तब तक के लिए फेयर वैल्यू गैप था, अब नहीं है, ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो मिटिगेट हो चुका है। अब फेयर वैल्यू गैप का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। ऐसे हम लोग ज्यादातर इम्बैलेंस यूज करेंगे, फेयर वैल्यू गैप यूज नहीं करेंगे, और लिक्विडिटी वर्ड यूज करेंगे। तो लिक्विडिटी वर्ड देख लेते हैं क्या, जो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो गैप अप होते हैं, गैप डाउन होते हैं, तो वो सब भी होते हैं, ठीक है। हम लोग अभी लिक्विडिटी वर्ड देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे लास्ट में, ओके। लिक्विडिटी वर्ड क्या होता है, देखो सेम फेयर वैल्यू गैप पर इम्बैलेंस की तरह है, ठीक है। फेयर वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल करते थे, और यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल, इसके बीच में जो हो गया वो लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो लिक्विडिटी वर्ड में क्या होता है कि जैसे क्या, अचानक ना टाइम, अचानक प्राइस पंप पंप कर जाते हैं 4% 5%, ठीक है। एकदम बिग कैंडल बन जाते हैं, एकदम स्पीड से कैंडल बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मान लो स्पीड से कैंडल बन गया यहाँ ये था, तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वर्ड बोलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गया इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो लो है वही फेयर वैल्यू गैप चीज है, यहाँ पर लो में ले लो, यहाँ पर ले लो, तो इसको बोलते हैं स्पीड या फिर लिक्विडिटी वर्ड। ऐसे स्पीड करते रहता है कभी कल, ICT पढ़ोगे ना उसमें रहता है, तो इसको लिक्विडिटी वर्ड बोलते हैं। ये लिक्विडिटी वर्ड क्या, बुलिश लिक्विडिटी वर्ड है, ठीक है। तो मार्केट इसको फिल करने आता है, ठीक है। सेम चीज है बेरिश लिक्विडिटी वर्ड में, दिखाते हैं एग्जाम्पल तुम्हें दिखाएंगे कि अचानक प्राइस आया, ठीक है।
और एकदम स्पीड नॉर्मल चल रहा था प्राइस, फिर अचानक एकदम स्पीड से चला गया, तो स्पीड चला गया ना, टाइम लेके बड़ा कैनल बन गया, कम टाइम में बड़ा कैनल बन जाना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी वर्ड, या क्या है, बियरिश लिक्विडिटी वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तीनों का फिर, तो ठीक है। इम्बैलेंस उसको कहते हैं, 1 2 3, 3 के अंडर का हाई ले लो बुलिश इम्बैलेंस के लिए, फिर इसका लो ले लो, क्या हो गया, बुलिश इम्बैलेंस, ठीक है। ओके, तो इस टाइप का सब मार्क कर दो। फिर बियरिश इम्बैलेंस के लिए किस टाइप का मार्क करते हैं, देखो ये इसको, ये तो बुलिश इम्बैलेंस था, ठीक है, इसका लो ले लो, 1 2 3, जिस टाइप 3 का फॉर्मेशन जिस टाइप का, ठीक है। फिर इसका यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता यहाँ पर इम्बैलेंस के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बुलिश इम्बैलेंस बोलते हैं। और प्राइस इफिशियंट किसको बोलते हैं, इनफिशियंट किसको बोलते हैं, देखो ये रहा प्राइस इनफिशियंट, हाँ ये देखो इधर गया, देखो ये, ठीक है। 1 कैंडल 2 3 कैंडल तीनों मिटिगेट हो रहे हैं, तो इसको इफिशियंट प्राइस एक्शन बोलते हैं। नॉन इफिशियंट, इफिशियंट क्या होता है, सेम चीज है, 3 कैंडल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर ये जो पहला कैंडल है इसको मिटिगेट नहीं किया, तो इनइफिशियंट प्राइस एक्शन, बस यही है खत्म, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में भी वही चीज था कि लास्ट, जैसे यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप में क्या था, ये जो सेलिंग है, ठीक है, यहाँ पर का लो ले लो एंड यहाँ पर का हाई ले लो, या फिर इसका बॉडी क्लोज ले लो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना ना, लास्ट पैंग आया, तो इसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और देखो यहाँ पर ही देखो लिक्विडिटी वर्ड इसको भी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी वर्ड देखो, एकदम छोटा प्राइस चल रहा था, मतलब कैंडल बन रहा था, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा था, फिर अचानक एकदम स्पीड से गया, तो ये क्या है, लिक्विडिटी वर्ड है पूरा, ठीक है। ये क्या है, पूरा लिक्विडिटी वर्ड है, प्राइस फील करने आएगा। यहाँ पर भी देखो ये क्या है, लिक्विडिटी वर्ड, स्पीड प्राइस गया ना, ये क्या है, लिक्विडिटी वर्ड, ठीक है। और कभी कभी लिक्विडिटी वर्ड क्या होता है, 2 3 कैंडल का भी बन सकता है लिक्विडिटी वर्ड, जैसे यहाँ पर देखो 2 3 कैंडल का भी बन सकते हैं, ये पूरा जैसे 2 कैंडल का बना ना, ये पूरा लिक्विडिटी वर्ड, कितना स्पीड से गया प्राइस, देख लो यहाँ पर भी बोल सकते हो एक तरह से, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर हुआ बट स्पीड से काफी गया। जैसे ये देखो ये फेयर वैल्यू का यहाँ पर से होगा, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल लास्ट बाइंग कैंडल होगा, ये नहीं होगा, ऐसे इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं एसएमसी में, बट आईसीटी नहीं बोलता, ठीक है। तो ये यहाँ पर से यहाँ तक, या फिर यहाँ तक बोल सकते हो, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वर्ड बोल सकते हो, काफी ज्यादा स्पीड से आया ना प्राइस, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है।